फ्रेंड्स, अभी टाटा केमिकल के शेयर में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है और नतीजे खराब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 2623 करोड़ के आसपास था, वो हल्की सी गिरावट के साथ 2606 करोड़ आया है, और प्रॉफिट जो पिछले साल 200 करोड़ के आसपास था वो इस साल भी 200 करोड़ ही रहा है। तो ओवरऑल ये नतीजे अभी जो शेयर ने रैली की है तो उस लिहाज से देखें तो ये खराब ही रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, और इसको अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो वहाँ पर खराब परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है, जो कि बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट से कंपनी ने पिछले साल 2009 करोड़ की इनकम जनरेट की थी, वो इस साल 1986 करोड़ रही, यानी कि घटी है, और ओवरऑल देखें तो भी गिरावट दिखा रही है। और इसके अलावा सेगमेंट रिजल्ट में भी जो पिछले साल 327 करोड़ के आसपास का बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट में प्रॉफिट था वो इस साल घटकर 298 करोड़ हो गया। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कल इस शेयर की पिटाई हो सकती है इस रिजल्ट की वजह से, क्योंकि ये रिजल्ट इतने इम्प्रेसिव नहीं है और शेयर चल चुका है।